दोबारा मिल रहे हैं भाई। उस दिन बाइक पे, आज गाड़ी में। नहीं है शर्म भाई दा चैनल है यूट्यूब पे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। सो गाइस फाइनली हमें दर्शन हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम जा रहे हैं पंजाब, और आज जा रहा है हमारे साथ दल्ला। चूपा तो जाएगा नहीं, क्योंकि चूपे को कुछ काम भी है। तो चूपा बस बाइक ले जाएगा यहाँ से, और हम लोग निकल जाएंगे। अभी मम्मी मम्मी को उठा लेते हैं। हाँ, तो ये दल्ला देखो कैपरी डाल गया है, इसको शर्म नहीं है दल्ले पे। तो बाकी मिलते हैं ब्लॉग में। और भाई, खराब रास्ता और आज गाड़ी लेके जाके एक्सपीरियंस कैसा होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड अभी निकलते हैं, सामान वगैरह लेते हैं घर से। यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, तनु भी रेडी है और मम्मी भी रेडी है। बाकी अभी मैं सामान वगैरह रखता हूँ गाड़ी में, अपना चार्जर हेडफोन पर ले लिया भाई। हाय, निकलूँ तो मैं बस यही बैग एक ले लिया मैंने, हेडफोन भी ले लिया सब। तो एक चक्कर तो लगाता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे हमारा सामान डल गया, अभी थोड़ा सा सामान रह गया, वो भी करते हैं एडजस्ट। अभी घर से निकल रहे हैं, पर सामान देखो गाइस, यहाँ पे देखो हमारे मैडम जी। ओ मम्मी भी लगी हुई है सामान को ले जाने, बुरी हालत होगी सामान को उठा के। अभी निकलते हैं सीधा और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो अभी तक यहीं पे पहुंचे हम हिमाचल में ही, और शाम के 4 बज गए हैं। रोड की इतनी बुरी हालत है कि ज्यादा स्पीड से चल भी नहीं पा रहे। तो देखते हैं कितनी देर में धारीवार पहुंचते हम। सो गाइस, आज फिर अतुल भाई हमें मिल चुके हैं, अतुल ऑन ZX10R। और भाई साउंड सुन लो भाई की, दल्ले को देख लो, दल्ला भी खुश हो गया भाई। हमारी किस्मत ऐसी है ना बहन की, कि बंदे मिल ही जाते हैं, दोबारा मिल रहे हैं भाई। उस दिन बाइक पे, आज गाड़ी में। तो भाई का भी फर्स्ट ब्लॉग ही आया मैंने देखा जो। परसों से रेगुलर ब्लॉग आएंगे। ठीक है ठीक है भाई, कांगड़ा आओगे तो पक्का राइड साथ में लेनी है फोटो वगैरह। हाँ जी, कांगड़ा आओगे तो बताना मेरे को। आज खोल दिए टीवी किले, उस दिन लगाया था ना भाई, खतरनाक लुक भाई, ZX10R। हम मेको भी सुपर बाइक का शौक चढ़ गया आजकल, तो भाई से मिलने आ गए। बाकी फोटो वगैरह क्लिक करवाई मम्मी ने। एंड यहाँ पे प्राइस पूछा जा रहा है मम्मी को। ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी मिलते हैं अभी कांगड़ा में। मम्मी को भी क्रेज चढ़ गया, मम्मी को खतरनाक वाला। और अभी निकलते हैं हिमाचल में, हमें 5 बज गए, तनु तो बैठी हुई है ना। हम पहुंच चुके हैं धारीवाल और सामान वगैरह ले रहे हैं, तो खाने पीने का सामान लेके सीधा मिलते हैं दीदी के पास। फाइनली पहुंच चुके हैं हम आज दीदी के घर दोबारा, फिर से दीदी फिर से आ गए हम। नहीं है शर्म। तो यहाँ पे सभी देख लो, हाय हाय पाजी पाजी। तो यहाँ पे अभी गेट गार्ड कर लेते हैं बंद, सीधे आ जाती है गाड़ी, आपको पता तो है कितना स्पेस है। और मम्मी को देख लो गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है हमारी, और गला मेरा बैठ गया क्योंकि सुबह यहाँ पे काफी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सुबह सुबह डुग्गू भी उठ गया है, अभी रेडी होके हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। बाकी आगे का ब्लॉग वहीं का ही है। मैं हो चुका हूँ रेडी, और बाकी सभी अभी रेडी हो रहे हैं। मम्मी ने रेडी होना है और तनु होगी रेडी, दीदी जा रहे हैं। बाहर का मौसम बताता हूँ आपको, बाहर का कैसा मौसम है। तो कुछ ऐसा मौसम है पंजाब का, अभी इन सभी को रेडी होने देते हैं, उसके बाद चलते हैं गोल्डन टेंपल और आप लोगों को भी दिखाते हैं गोल्डन टेंपल। मैक्सिमम लोग तो वहां जा भी आए होंगे जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, और जो नहीं गए हैं वो आज हमारे साथ दर्शन कर लें। और तो फाइनली गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो
अक्षय भाई मोड़ने लगे है गाड़ी, देखते हैं मुड़ती है कि नहीं। बाकी मम्मी वगैरह हो चुके हैं रेडी, तो निकलते हैं अभी और रास्ते में मिलते हैं आप लोगों को। तनु को तो पेट में पेन हो रही है, तो इसको वो मेडिसिन वगैरह लेके देते हैं। तनु के लिए दीदी ले रही है मेडिसिन और इसका बीपी चेक हो रहा है, चेक करवा लेते हैं। जो यहाँ पे सीटों के लिए लड़े जा रहे हैं और अमृतसर बस आने वाला है, यहाँ से कम 30 किलोमीटर रह गया है और हाईवे तो ऐसे शकाशक पर भगा नहीं सकते, 80 किलोमीटर तो सीधे चले हैं अभी तो। और आप लोग ट्रैफिक देखो, पहले इतनी ट्रैफिक है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। पार्किंग नहीं मिल रही, एक तो गोल्डन टेम्पल की यही होगी पार्किंग जिस हिसाब से लोग मिल रहे। लोग आज सारे गोल्डन टेंपल ही जा रहे हैं। ओ शिट मैन, बड़ी लंबी लाइन है मम्मी पार्किंग की। रोदो के पार्किंग के पास तो पहुंच गया पर इंटर अभी तक नहीं हुए, बाकी पहुंच चुके हैं। और ये सारा पार्किंग का फ्लाईओवर ही है नीचे, और पार्किंग मेरे को लग रहा है फुल है, आगे जा ही नहीं रहे। अगली इससे पर्ची लेते हैं भाई से, क्योंकि पैसे वापिस जाते टाइम। ए भाई पर्ची संभाल ली। तो गाइस अभी हम अमृतसर में पहुंच चुके हैं और देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, लोग ही लोग हैं यहाँ पे तो। बाकी हमारी गैंग ये चली हुई है, मम्मी वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं गोल्डन टेम्पल। एक तो आज इतनी मतलब बुरी हालत है ना, और भाई पकड़ पकड़ के जबरदस्ती हमें सामान बेचे जा रहे हैं। इस फ्लाई ओवर पे हमने कम से कम आधा घंटा वेट किया है, तो हमें पार्किंग मिली आधा के ज्यादा ही। 50 के मम्मी बोल रहे हैं, 30 के दो, 50 के बोल रहे हैं, 30 के, 30 के दो, 30 के दो। भाई सस्ते ही हैं वैसे तो, ज्यादा महंगे भी नहीं है ये तो। वहाँ तो हिमाचल में तो 100-100 रुपए में मिलते हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा शोर पड़ा हुआ है। मम्मी पे लाल जच रहा है ना, कमेंट करके बता देना। गाइस कबूतर देखो सामने कितने सारे हैं, कितने ही सारे हैं, ये देखो ओपी कबूतर। फाइनली सामने हमारे गोल्डन टेंपल है, और क्राउड इतना ज्यादा है कि सभी बोल रहे हैं साइड साइड है, काफी ज्यादा ही है। आजो भाजी आजो, बिल्कुल गोल्डन टेंपल आया गुरु घर के मत्था टेकन, ठीक है महाराज कृपा करे भरा ते, ठीक है बाकी लव यू सारे नु, ठीक है भरा वालों भी मेरे। सो गाइस फाइनली हमें दर्शन हो गए गोल्डन टेंपल के, तो अभी जा रहे हैं हम लंगर हाल में खाना खाने। पे सामने जो 5 रुपए वाली पेप्सी जो यहाँ पे मिलती है वो आज क्लोज है, ये तो आप लोगों को दिखाता वो बंद है, वो तो अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, बाहर करते हैं खाते पीते हैं कुछ, निकलते हैं उसके बाद। और मजा आया बड़े दिनों बाद आए यहाँ पे, वो डुगू तो मजे से आराम से घूम रहा है। मम्मी की हो रही है कड़ों की शॉपिंग यहाँ पे, मम्मी को साइज ही नहीं मिल रहा, एक साइड का मिल गया है दूसरे साइड का मिल ही नहीं रहा। बस यहाँ पे होगी मम्मी की शॉपिंग डन। मैंने ये वाला कड़ा पूछा बोलते 250 का। गाइस तो दोबारा पहुंच गए हैं पार्किंग में, और यहाँ पे देखो मूर्ति, और हम काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो अभी सीधा घर की तरफ ही निकलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया और यहाँ पे कुछ सीन भी हो गया, पता नहीं क्या और क्या नहीं। वो अभी वो पता नहीं कहाँ पीछे रह गए हैं, शॉपिंग करते करते चले हैं और हम लोग निकल आए हैं।
ये काफी बड़ा बलून किन्ने का है? 10 रुपए। ले ले कहे तो पाना ना गले को गुब्बारा चाहिए भाई, दे दियो भाई। तो गाइस निकल चुके हैं पार्किंग से, देखो इतनी लंबी लाइन में लगे हुए थे हम भी पहले जब आए थे। अब तो शाम का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं और अभी निकल गए हैं, तो घर पे निकलते हैं, थक बड़े गए हैं घूम घूम के। और अभी ये पूरा फ्लाईओवर ना स्पेशल पार्किंग के लिए बना हुआ है, बाकी कहीं भी नहीं जाता है, सीधा पार्किंग में जाता है और बेस्ट है, मतलब ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, थोड़ी सी दूर है यहाँ से गुरुद्वारा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी पहुँच चुके हैं धारीवाल और मैं इतना थक गया हूँ कि मेरे को अभी आ रही है नींद। तो आज कब लोग करते हैं ये पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।